फिल्म की शुरुआत में हमें ग्लेन नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जिसकी उम्र 12 साल है। ग्लेन अपने घर आकर देखता है कि उसके घर में कोई नहीं है, ना ही उसकी बहन, ना ही उसके माता पिता और ना ही उसका कुत्ता। उसके घर की टीवी भी चालू थी और टेबल पर खाना भी रखा हुआ था, लेकिन खाने वाला एक भी शख्स वहाँ नहीं होता। जिस बात से परेशान होकर ग्लेन अपने ट्री हाउस में चला जाता है जो उसके बैकयार्ड में ही था। उसे अभी इस ट्री हाउस से कुछ आवाजें आने लगती है जिसका पता लगाने के लिए वो ट्री हाउस के अंदर चला जाता है, जहाँ उसे एक डॉल मिलती है जिसे ग्लेन ने अपने हाथ में उठाया ही था कि तभी आसमान से जोरदार बिजली उसके ट्री हाउस पर आकर गिरती है, जिससे वो अपने ट्री हाउस सहित जमीन पर आ गिरता है। इसके तुरंत बाद ग्लेन की नींद खुल जाती है और हम समझ पाते कि अब तक जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक सपना था। अब नींद से जागने के बाद ग्लेन देखता है कि कुछ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ने सच में उस पेड़ को उखाड़ दिया है, जिसका मतलब ये है कि उसका सपना एक तरह से सच साबित हुआ क्योंकि वो पेड़ अब सच में गिर चुका है। फिर इसके बाद कुछ वर्कर्स उस पेड़ को वहाँ से ले जाने लगते हैं। तभी ग्लेन देखता है कि उस पेड़ की जड़ों से कोई गोल पत्थर गिरकर टूट गया है जिसमें काफी सारे क्रिस्टल मौजूद थे, जहाँ वो ये भी नोटिस करता है कि पेड़ को उखाड़ लिए जाने के बाद उस जगह पर एक गड्ढा बन गया है। फिर आगे हम ग्लेन के दोस्त टेरी को वहाँ देख पाते है, जिसे ग्लेन उस क्रिस्टल जैसे पत्थर के बारे में बताता है, जिस पर टेरी कहता है कि हमें उस गड्ढे को खोलकर देखना चाहिए क्योंकि वो पत्थर कुछ और नहीं बल्कि जियोड है जो वॉल्केनिक इरप्शन के द्वारा बन जाता है। दरअसल जियोड ऊपर से किसी साधारण पत्थर की तरह नजर आता है, लेकिन अंदर से काफी चमकीला होता है और बाजार में इसकी काफी अच्छी कीमत मिल जाती है। तब टेरी और ग्लेन मिलकर उस गड्ढे को और गहरा खोदना शुरू कर देते हैं, जिसमें से उन्हें एक और जियोड मिलता है जो पिछले वाले जियोड से भी बड़ा था। अब इस जियोड के निकाल लिए जाने की वजह से जमीन में और भी ज्यादा गड्ढा बन जाता है और उसमें से अब अजीब सी आवाजें आने लगती है। वहीं उस जियोड को निकालने के चक्कर में ग्लेन के हाथ में कट लग जाता है और उसकी खून की कुछ बूंदे गड्ढे में चली जाती है, जिसके फिर कुछ देर बाद उस गड्ढे में से बहुत सारे मौत निकलते हैं जो एक तरह के उड़ने वाले कीड़े हैं, जिनमें से कुछ मौत को तो टेरी जार में कैद कर लेता है ताकि वो उन्हें रॉकेट के साथ हवा में काफी दूर तक उड़ा सके। यहाँ हम देख पाते हैं कि ग्लेन ने एक रॉकेट बनाई है, लेकिन उसका पाउडर गीला होने के कारण वो उसे उड़ा नहीं पाता। इतने में उसके घर के बाहर लगी लाइट भी फ्लिकर करने लगती है, जिस पर उसका ध्यान नहीं जाता। पर हम इस सब में समझ पाते हैं कि कुछ तो अनहोनी होने वाली है, क्योंकि जमीन के अंदर से मौत का निकलना और उसके तुरंत बाद घर की बिजली का फ्लिकर करना कोई शुभ संकेत नहीं है। अब अगले सीन में हम ग्लेन को उसके माता पिता और बहन नेम अलेक्जेंड्रा के साथ डिनर करते देखते हैं, जहां ग्लेन के माता पिता किसी केयरटेकर की बात कर रहे थे क्योंकि उन्हें कुछ दिनों के लिए बाहर जाना था। पर इस पर अलेक्जेंड्रा उन्हें केयरटेकर रखने के लिए मना करती है क्योंकि उसका मानना था कि वो अपना और ग्लेन का ध्यान रख सकती है। फिर रात के समय ग्लेन अपने माता पिता से एक कंस्ट्रक्शन वर्कर के बारे में पूछता है, क्योंकि टेरी ने उसे बताया था कि तुम्हारे घर के कंस्ट्रक्शन के समय एक वर्कर की मौत हो गई थी, जिसकी लाश को तुम्हारे घर के दीवारों में ही चुनवा दिया गया। पर ये सुनकर ग्लेन के पिता उसे बताते कि टेरी ने अपने माँ को खो दिया है, इसलिए वो ऐसी कहानियां बना रहा है। दूसरे दिन अब ग्लेन और अलेक्जेंड्रा के माता पिता वहाँ से चले जाते हैं और उनके जाने के बाद अलेक्जेंड्रा अपने घर में एक पार्टी रखती है, जबकि टेरी ग्लेन के कमरे में उस बड़े से जियोड को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उससे वो जियोड नहीं टूटता, जो देखकर ग्लेन अब खुद उस हथौड़े को लेकर जियोड पर जोरदार प्रहार करता है, जिससे एक ही बार में जियोड के दो टुकड़े हो जाते हैं और उसमें से अजीब सी रोशनी निकलने लगती है। जीसी के साथ उस जियोड के पास ही रखे नोटबुक पर कुछ शब्द छप जाते हैं जो किसी दूसरी भाषा में लिखे हुए थे। वहीं अब हमें बैकयार्ड के गड्ढे से धुआं भी निकलता हुआ दिखाई देता है। दूसरी तरफ अलेक्जेंड्रा के कुछ दोस्त अपने एक साथी को हवा में उड़ाने का झूठा नाटक कर रहे होते हैं, लेकिन उनका वो साथी हवा में नहीं उड़ता। उसी समय ग्लेन भी वहां जाता है, इसलिए वो उसे हवा में उड़ाने का प्रैंक करने लगते हैं, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि वो हवा में उड़ भी जाता है, जिससे उसका सिर दीवार में लगी लाइट से टकरा जाता है और अब सर टकराने की वजह से वो गुस्सा होकर अपने कमरे में चला जाता है, जहां अब रात के समय उसे दीवार पर अजीब से उभार दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो कोई दीवार के अंदर मौजूद हो। इस तरफ टेरी जो ग्लेन के घर में ही रुका हुआ था, उसे आधी रात को अपनी मरी हुई माँ दिखाई देती है, इसलिए वो उनसे गले लग जाता है, लेकिन कुछ ही देर में उसकी माँ ग्लेन के कुत्ते में बदल जाती है।
दरअसल उसने अपने माँ को नहीं बल्कि ग्लेन के कुत्ते को गले लगाया था जो मर चुका था। और उस मरे हुए कुत्ते को देखकर टेरी की चीख निकल जाती है जो सुनकर अलेक्जेंडर और ग्लेन वहाँ आते हैं। फिर अगली सुबह ग्लेन उसे कहता है कि हमारा कुत्ता काफी बूढ़ा हो चुका था, शायद इसीलिए वो मर गया। फिर आगे हम टेरी को एक रॉक बैंड का गाना सुनते हुए देख पाते जहाँ गाने के लिरिक्स में ये बताया गया था कि दुनिया में इंसानों से पहले शैतानों का राज हुआ करता था और हर तरफ से अंधेरा ही अंधेरा था, लेकिन बाद में रोशनी के आ जाने की वजह से सारे शैतानों को पृथ्वी के अंदर जाना पड़ा। इसलिए वो सभी काफी गुस्सा है क्योंकि उन्हें एक बार फिर से पृथ्वी पर राज करना है। आप टेरी जियोड के द्वारा बनाई हुई लिखावट को रॉक बैंड के एल्बम से मैच करवाता है जिसमें बहुत से शब्द मैच कर जाते हैं। वहीं यहाँ टेरी के पास डार्क बुक नाम की एक किताब होती है जिसमें काफी सारे शैतानों का जिक्र किया गया था, जिसके बाद अब टेरी ग्लेन को बताता है कि सैक्रिफिक्स नाम का एक बैंड जो डीमंस और शैतानों के बारे में बहुत सीरियस था, उन्होंने अपने गानों से शैतानों के बारे में बताने की कोशिश की थी, लेकिन जब उन्होंने शैतानों के बारे में गाना गाया तो उन सभी की प्लेन क्रैश में मौत हो गई। वो आगे ये भी शेयर करता है कि सैक्रिफिक्स बैंड के लिरिक्स द डार्क बुक से लिए गए थे जिसे शैतानों की बाइबल मानी जाती है। वहीं डार्क बुक की माने तो शैतानों को कुछ खास तरह का रिचुअल करके पृथ्वी पर बुलाया जा सकता है जिसके लिए सबसे पहले ब्लड सैक्रिफाइस करना था जो ग्लेन के खून से पहले ही हो चुका था। फिर लेविटेशन यानी कि हवा में उड़ाए जाने का रिचुअल जो कि अलेक्जेंड्रा के दोस्तों ने ग्लेन को हवा में उड़ाकर दूसरा रिचुअल भी पूरा कर दिया था। और आखिर में किसी जीव का सैक्रिफाइस चाहिए था, चाहे वो जीव कोई इंसान हो या जानवर, जैसे कि ग्लेन का कुत्ता जो अचानक से ही मर गया। यहाँ तक कि डार्क बुक में दिखाए गए सबसे बड़े शैतान के सिर पर ठीक वैसे ही जीव रखा था जिसे पिछली रात ग्लेन ने हथौड़े से तोड़ा था। इस पर ग्लेन सवाल करता है कि यदि किताब में लिखी बातें सच है तो अभी तक कोई शैतान बाहर क्यों नहीं आया, जिस पर टेरी जवाब देता है कि शायद नर का दरवाजा पूरी तरह से नहीं खुला है। दूसरी तरफ अलेक्जेंड्रा का एक दोस्त जिसे उनके पालतू कुत्ते की लाश को ठिकाने लगाने का काम दिया गया था, वो उस कुत्ते की लाश को बैकयार्ड में बने गड्ढे में डालकर उसे मिट्टी से ढक देता है, जिसके ऐसा करते ही रिचुअल पूरा हो जाता है क्योंकि आखिरी रिचुअल में किसी जीव का सैक्रिफाइस चाहिए था जो सैक्रिफाइस अब पूरा हो चुका था क्योंकि कुत्ते की लाश को गड्ढे में डाल दिया गया था। उधर टेरी ग्लेन को अब एल्बम की लास्ट लाइन सुनाता है जिसमें नर के दरवाजे को बंद करने का तरीका बताया गया था, इसीलिए वो बैकयार्ड में जाकर उन मंत्रों को पढ़ते हैं जिससे उन्हें ये लगता है कि नर का दरवाजा बंद हो चुका है। लेकिन हम देख पाते हैं कि गड्ढे के ऊपर रखे लकड़ी के दरवाजे में अपने आप ही हलचल हो रही है। फिर रात के समय अलेक्जेंडर अपनी दो फ्रेंड्स को लेकर घर आती है, जबकि ग्लेन जब अपने कमरे में सो रहा था तो बहुत सारे मॉथ्स उसकी खिड़की तोड़कर कमरे में आ जाते हैं, जो देखकर वो तुरंत ही अलेक्जेंडर को वहां बुलाता है जो खिड़की को टूटा हुआ देखकर परेशान हो जाती है। इसके बाद अब वो लोग टेरी को जगाने की कोशिश करते हैं जो ग्लेन के बिस्तर पर ही सो रहा था, और उसी समय टेरी पीछे आ जाता है जो बाथरूम में गया हुआ था। अब उसे बाहर देख अलेक्जेंडर जैसी चादर हटाती है तो बिस्तर पर उनके कुत्ते की लाश पड़ी हुई थी, और फिर अचानक बिस्तर के नीचे से किसी शैतान का हाथ निकलकर अलेक्जेंडर के पैर को पकड़ लेता है, जिस पर अब टेरी और ग्लेन उसे किसी तरह से बचाकर कमरे के बाहर आ जाते हैं। तब अलेक्जेंडर अपनी दोस्त को भी साथ लेकर घर से बाहर भागती है जहाँ घर के बाहर ग्लेन को उसके माता पिता दिखाई देते जो दरअसल शैतान ही थे। ग्लेन उनकी आंखें फोड़कर अब वापस से घर में चला आता है। वहीं अलेक्जेंडर जब बैकयार्ड में जाती है तो बहुत से छोटे शैतानों को देखकर वो वापस से घर में चली जाती है। वहीं उधर अलेक्जेंडर की दोस्त को खिड़की के बाहर बड़ा सा शैतान दिखाई देता है जिसे देखकर वो दोनों बुरी तरह से डर जाते हैं। फिर टेरी सभी को बेसमेंट में ले जाता है ताकि वो लोग डार्क बुक में बताए गए तरीके से उस गड्ढे को बंद कर सके, लेकिन उस डार्क बुक में अपने आप ही आग लग जाती है जहाँ टेरी बताता है कि मैंने डार्क बुक में पहले ही पढ़ लिया था कि कोई साफ दिल का इंसान प्यार और रोशनी की शक्ति से शैतान को हरा सकता है, पर फिलहाल उन्हें इस गड्ढे को बंद करना था, इसलिए वो सभी बाइबल के मंत्रों का प्रयोग करके उस गड्ढे को बंद करने की कोशिश करते हैं। जी सब में टेरी गड्ढे में गिर जाता है जहाँ कुछ छोटे शैतान उसके पैरों को काटने की कोशिश करते हैं। तब किसी तरह वो ग्लेन और अलेक्जेंडर की मदद से वापस ऊपर आकर मंत्र को पढ़ना शुरू करता है जिससे वो गड्ढा बंद भी होने लगता है, लेकिन बहुत तेज हवा चलने की वजह से बाइबल के मंत्रों वाला पेज पलट जाता है, जिस पर अब टेरी बाइबल को उस गड्ढे में फेंक देता है, जो करते ही वो गड्ढा एक तेज धमाके के साथ बंद हो जाता है जो देखकर वो लोग खुश हो जाते हैं। अब आगे जब ग्लेन और टेरी उस डियोर के टुकड़े से खेल रहे होते हैं कि तभी दीवार से उस कंस्ट्रक्शन वर्कर की लाश बाहर निकल आती है जिसके बारे में ग्लेन अपने पिता से पूछ रहा था। वो लाश टेरी को पकड़कर उसे अपने साथ दीवार में खींच ले जाती है
जाती है और उसकी जाती दीवार पहले जैसे हो जाती है। उधर अलेक्जेंड्रा को आईने में वर्कर की परछाई दिखाई देती है और उसी समय ग्लेन भी वहाँ जाता है। जिसके बाद अलेक्जेंड्रा बचाव में उस वर्कर के ऊपर अपना रेडियो बॉक्स फेंक देती है जिससे वो बेहोश होकर जमीन में जा गिरता है। आप जमीन में गिरते उसका शरीर बहुत सारे छोटे शैतानों में बदलकर उन दोनों को मारने की कोशिश करता है, जिस पर अब दोनों भाई बहन उन छोटे शैतानों को कमरे में बंद करके दरवाजे को बाहर से रोकने की कोशिश करते हैं। तभी ग्लेन अपने पिता की बंदूक लेने के लिए नीचे चला जाता है, जहाँ टेरी जो अब शैतान बन चुका था वो ग्लेन के हाथ को अपने दांतों से काटने की कोशिश करता है। ग्लेन की पुकार लगाने पर अलेक्जेंड्रा वहाँ कर टेरी की आंख में एक प्लास्टिक डॉल घुसा देती है जिससे वो ग्लेन का हाथ छोड़ देता है। पर अब इससे पहले कि वो लोग बंदूक में गोलियां डाल पाते वहाँ कंस्ट्रक्शन वर्कर आकर अलेक्जेंड्रा को भी अपने साथ ले जाता है। जीसी के साथ दो ह्यूमन सेक्रीफाइस भी पूरा हो चुका था, पहला टेरी और अब अलेक्जेंड्रा, जिसका मतलब ये कि अब नर के दरवाजे से सबसे बड़े शैतान के निकलने की बारी है। दरअसल टेरी ने ग्लेन को ये भी बताया था कि सबसे बड़ा शैतान तभी बाहर आ सकता है जब दो इंसानों की कुर्बानी दी जाए, और सिंस टेरी और अलेक्जेंड्रा को कंस्ट्रक्शन वर्कर ने सेक्रीफाइस कर दिया था इसलिए उनके घर के नीचे एक बड़ा गड्ढा बन जाता है जो बैकयार्ड के गड्ढे से भी ज्यादा बड़ा था। इसी सब में ग्लेन को उसकी बहन के द्वारा दिया गया रॉकेट और एक नोट मिलता है जो उसकी बहन अलेक्जेंड्रा ने उसे तोहफे में दिया था, जिसका मतलब यह कि उस तोहफे में उसकी बहन का प्यार है। और सीन से एक रॉकेट है तो उसमें रोशनी भी है जिससे ग्लेन जो एक साफ दिल का बच्चा है वो सबसे बड़े शैतान को मारने के लिए प्रयोग कर सकता है। तभी वहाँ फिर सबसे बड़ा शैतान जो नर का राजा भी है वो ग्लेन के हाथ को छूकर उसकी हाथ में एक आंख बना देता है, जिसकी तुरंत बाद गड्ढे से एक साइक्लोन जैसी चीज निकलकर दुनिया भर में फैलने लगती है, जिसका मतलब ये कि उसमें से सारे शैतान बाहर आ रहे। वहीं हम ग्लेन के हाथ में आग देखकर समझ जाते हैं कि उस शैतान के द्वारा किया गया कोई रिचुअल है, क्योंकि ग्लेन के ही खून से उनके रिचुअल की शुरुआत हुई थी इसलिए उस रिचुअल ने ग्लेन को मारने के बजाय उसके हाथ में आग बना दी। इधर अब ग्लेन बड़ी हिम्मत करके अपने हाथ में बनी आग को फोड़ कर रॉकेट के अंदर नई बैटरी डालता है। वहीं सबसे बड़े शैतान को भी पता चल चुका था कि ग्लेन ने आग फोड़ दी है इसलिए वो फिर से उसके सामने आता है, लेकिन ये उस शैतान की सबसे बड़ी गलती साबित होती है क्योंकि उसके वहां आते ही ग्लेन रॉकेट चलाकर उसे खत्म कर देता है, जिससे सारे शैतान वापस से पृथ्वी के अंदर समा जाते हैं और नर का रास्ता भी बंद हो जाता है। जीसी के साथ अब अलेक्जेंडर और टेरी भी जिंदा होकर वापस आ जाते हैं और उनका पालतू कुत्ता भी जिंदा हो चुका था, यानी कि उन शैतानों ने जितनी भी कुर्बानियां ली थी वो सभी फिर से जिंदा हो चुके थे। जीसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।